हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 8, एंड्स एंड मीन्स फ्रॉम वर्कबुक ऑफ क्लास 12th. तो आज हम लोग एंड्स एंड मीन्स लेसन जो वर्कबुक में है उसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, जो समझ पर आधारित क्वेश्चन हैं. तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं हम. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिरजू स्टेड बैक ड्यूरिंग द स्वामी जीज स्पीच. ये जो हमने एंड्स एंड मीन्स स्टोरी पढ़ी थी, स्वामी अरवसु और बिरजू, जो बाद में मॉन्क बन गया था, संत बन गया था, और बिरजू की जो चोरी थी उसके कारण स्वामी अरवसु ने उसे बहुत भरा बुरा कहा था, जो उसने दो भूखे बच्चों की भूख से प्रभावित होके की थी. बाद में वही चोरी उसकी बहुत ही महान मानी गई, क्योंकि वो दूसरों के लिए किया गया कार्य था, पर्सनल गेन के लिए नहीं था. ये उसकी शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बताई. बाद में फिर अरवसु के समक्ष ही देवदूत आकर बिरजू को लेकर इंद्रलोक जाते हैं, ऐसा उस स्टोरी में बताया गया है. तो उस स्टोरी को ही ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं. बिरजू स्टेड बैक ड्यूरिंग द स्वामी जीज स्पीच. बिरजू स्वामी जी की स्पीच के भाषण के दौरान पीछे बैठा रहा. कारण क्या था पीछे बैठने का? फर्स्ट ऑप्शन है टू लिसन टू स्वामी जीज स्पीच, स्वामी जी के प्रवचन सुनने के लिए. टू सर्वे द क्राउड फ्रॉम द बैक, जो क्राउड भीड़ आई हुई थी उसका पीछे से सर्वे निरीक्षण करने के लिए. थर्ड ऑप्शन है टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पिक अ पॉकेट, जेब काटने की अपॉर्चुनिटी के लिए. और चौथा ऑप्शन है टू हैव अ लुक एट व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है. तो सही उत्तर है इसका टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पिक अ पॉकेट, जेब काटने का एकाध अवसर मिल जाए इसलिए वह वहाँ पर रुका हुआ था. बिरजू अप्रोच्ड स्वामी जी, बिरजू स्वामी जी के पास पहुँचा. कब? बिफोर द स्पीच, भाषण के पहले. आफ्टर द स्पीच, भाषण के बाद. ड्यूरिंग द स्पीच, भाषण के दौरान. व्हेन स्वामी जी वॉज गोइंग टू स्लीप, जब स्वामी जी सोने जा रहे थे. तो सही उत्तर है आफ्टर द स्पीच, यानी प्रवचन समाप्त हो गया था, सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, तब बिरजू स्वामी जी के पास पहुंचा. थर्ड क्वेश्चन है एन एसेटिक्स लाइफ इज वेरी टफ बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ. एक संत का जीवन बहुत ही टफ यानी कठोर होता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, डेडिकेशन यानी समर्पण, और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि. तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो एक संत के जीवन को बहुत ही कठोर बनाते हैं. तो ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर है. बिरजू वांटेड टू बिकम स्वामी जीज डिसाइपल बिकॉज, बिरजू स्वामी जी का डिसाइपल यानी शिष्य बनना चाहता था, क्योंकि. फर्स्ट ऑप्शन है ही वुड हैव अ फाइन टाइम विथ हिज टीम, बिरजू का अच्छा समय गुजरेगा स्वामी जी की टीम के साथ. इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू कीप ऑन स्टीलिंग, यानी उसको चोरी करने में बहुत आसानी होगी. थर्ड ऑप्शन है ही वॉज डीपली मूव्ड बाय स्वामी जीज स्पीच, स्वामी जी के भाषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था. ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर पर बहुत विश्वास था. तो सही उत्तर है ही वॉज डीपली मूव्ड बाय स्वामी जीज स्पीच, स्वामी जी के प्रवचन से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था. बिरजानंद वॉज वॉन्डरिंग इन द विलेज एट नाइट. बिरजानंद, जो बिरजू का संत बनने के बाद का नाम था, वह गांव में घूम रहा था रात को. कहे किस कारण से? टू कलेक्ट आर्म्स, भिक्षा इकट्ठ करने के लिए. टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर थेफ्ट, चोरी की कोई अवसर प्राप्त करने के लिए.
टू गेट सम फायरवुड, जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए, टू हैव अ लुक एट द स्लीपिंग विलेज, ये देखने के लिए कि गांव में लोग किस तरह से सो रहे हैं या सोते हुए ग्राम क्षेत्र को देखने के लिए। सही उत्तर है टू गेट सम फायरवुड, यानी जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही शब्द को चुनते हुए हमको नीचे ब्लैंक्स दी हैं वो भरना है। तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में वो हैं अ थेफ्ट यानि एक चोरी, नथिंग यानि कुछ नहीं, हंग्री यानि भूख, स्पीचलेस यानि निःशब्द, एनॉयड यानि चिढ़ जाना, मीन्स यानि साधन या यहाँ पर मीन्स यानि साधन, यानि मीन्स यानि अर्थ भी होता है लेकिन यहाँ पर लेसन के अनुसार साधन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वेयर हडल्ड इन अ कॉर्नर बिकॉज दे वेयर वेरी हंग्री, बच्चे कॉर्नर में बैठे हुए थे सिकुड़े हुए से क्योंकि वो बहुत भूखे थे। द मदर हैड बीन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन बिकॉज शी हैड नथिंग टू कुक, माँ पानी छिड़कते जा रही थी पैन में यानि पकाने वाले बर्तन पे क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था पकाने के लिए। तो सही उत्तर आएगा इसमें नथिंग। थर्ड है, स्वामी जी वॉज वेरी मच एनॉयड, स्वामी जी बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, एनॉयड यानि चिढ़ गए थे, बिकॉज बिरजू हैड कमिटेड अ थेफ्ट, क्योंकि बिरजू ने एक चोरी की थी। स्वामी जी स्टूड स्पीचलेस एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इन टू द पुष्पक विमान, स्वामी जी निःशब्द खड़े रह गए जब बिरजू ने ब्रह्मदत्त के पीछे पीछे पुष्पक विमान पर चढ़ा। नेक्स्ट है, स्वामी जी सेड दैट द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, स्वामी जी का कहना था कि द एंड यानि आप अपने साध्य और साधन, मतलब आप अपने साध्य को सही नहीं ठहरा साध्य के द्वारा अपने साधन को सही नहीं ठहरा सकते, मीन्स यानि साधन और एंड यानि साध्य। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण, ये रीडिंग टाइम के अंतर्गत आपको एक पैरा दिया हुआ है जो भगवद गीता से संबंधित है, देखिए मैंने पिक्चर भी ली हुई है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में जो महाभारत युद्ध हुआ था उसके ठीक पहले भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था अर्जुन को, उस पर बेस्ड ये पूरा का पूरा पैसेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखें इसको। द गीता इज़ नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क, इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोएम, गीता एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहा गया चीज़ नहीं है बल्कि एक ये महान धार्मिक कविता है। ग्रेट यानि महान, रिलीजियस यानि धार्मिक, पोएम यानि कविता। द डीपर यू डाइव इन टू इट द रिचर द मीनिंग यू गेट, जितना ज़्यादा जितने गहरे में आप इसमें गोते लगाएंगे, यहाँ पे डाइव करना है, छलांग लगाना, गोते लगाना है, मतलब इसके अर्थ को जितना ज़्यादा आप गहराई से समझेंगे उतना ज़्यादा रिचर यानि समृद्धि इसके अर्थ आपने को देखने को मिलेंगे। इट बीइंग मेंट फॉर द पीपल एट लार्ज, यह बड़ी मात्रा में लोगों के लिए कही गई है। देयर इज प्लीजिंग रिपीटिशन, गीता में बार बार उद्धरणों का रिपीटिशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। विथ एवरी एज द इम्पॉर्टेंट वर्ड विल कैरी न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग, प्रत्येक उम्र के लिए जो प्रमुख शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो एक नया और विस्तृत अर्थ
लिए हुए होते हैं। मतलब हर एज हर उम्र का व्यक्ति गीता से अपने उम्र और अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे अर्थ प्राप्त करता है। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वारी, पर इसका जो केंद्रीय शिक्षा है, मुख्य शिक्षा है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। यहाँ वारी यानी परिवर्तित होना। द सीकर इज एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर एनी मीनिंग ही लाइक्स सो एज टू इनेबल हिम टू इन्फोर्स इन हिज लाइफ द सेंट्रल टीचिंग। जो सीकर होता है, खोजकर्ता, अर्थ ग्रहण करने वाला होता है, उसके पास स्वतंत्रता रहती है कि वह किसी भी अर्थ को इस संपत्ति में से ले सकता है। मतलब गीता को संपत्ति बोला है और उसमें से जो ज्ञान है, उस ज्ञान में से कुछ भी मीनिंग जो व्यक्ति से संबंधित रखती है वो प्राप्त कर सकता है। गीता इज द नॉर इज द गीता अ कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स। गीता इस बात का कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन यानी संग्रह नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वॉट इज लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अदर्स अनदर। जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए कानूनी या नियम वाली है, वह हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनलॉफुल यानी गैर कानूनी हो जाए। वॉट मे बी परमिसिबल एट वन टाइम और इन वन प्लेस मे नॉट बी सो एट अनदर टाइम एंड इन अनदर प्लेस। जो चीज़ एक समय व एक स्थान पर परमिसिबल यानी करने योग्य हैं, हो सकता है वही चीज़ किसी अन्य समय पर और किसी अन्य स्थान पर करने योग्य नहीं हो। जैसे शादी विवाह में जब सब लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक परमिसिबल है, पर वही जब हम किसी के अंतिम में जा रहे होते हैं तब भी सब लोग मिलते हैं लेकिन वहाँ पर हंसी मजाक परमिसिबल नहीं है। तो समय और स्थान देखकर, परिस्थितियाँ देखकर चीज़ों को लॉफुल और अनलॉफुल बनाया गया है। तो गीता इन चीज़ों का कलेक्शन नहीं है। डिज़ायर फॉर फ्रूट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। भगवत गीता में सिर्फ एक ही चीज़ की मनाही है, प्रोहिबिशन यानी मनाही है, वो है डिज़ायर फॉर फ्रूट, मतलब फल की इच्छा रखना। ये सिर्फ इस चीज़ की मनाही है, मतलब मुख्य चीज़ है आप काम करते जाइए, आपको फल की इच्छा नहीं रखना है। डिज़ायरलेसनेस यानी फल की इच्छा नहीं रखना इज़ ऑब्लिगेटरी, ये बाध्य कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी यानी आवश्यक है। तो कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, यही प्रमुख चीज़ है जो गीता में कही गई है। द गीता हैज़ संग द प्रेजेज ऑफ नॉलेज बट इट इज़ बियॉन्ड द मियर इंटेलेक्ट। इट इज़ एसेंशियली एड्रेस्ड टू द हर्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हर्ट। देखिए गीता जो है वो ज्ञान के गीत गाती है, बहुत सारे प्रेजेज यानी प्रार्थना करती है, वर्णन करती है ज्ञान का। बट इट इज़ बियॉन्ड मियर इंटेलेक्ट, पर वो गीता जो भी ज्ञान देती है वह बुद्धि से परे है, यानी हम उसको बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। इट इज़ एसेंशियली एड्रेस्ड टू द हर्ट, यह मुख्य रूप से हृदय को संबोधित की गई है। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हर्ट, और सिर्फ वही व्यक्ति इसे समझ सकता है जो हृदय से समझ रहा है, उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। Therefore, the Gita is not for those who have no faith. और इसलिए गीता उनके लिए नहीं है जिनको विश्वास नहीं है। जो विश्वास रहित है उनके लिए गीता का ज्ञान किसी काम का नहीं है। The author makes Krishna say, गीता में ही भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा author बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कृष्ण के जो शब्द हैं वो
डू नॉट एंट्रस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज़ विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट डिवोशन, विदाउट द डिज़ायर फॉर दिस टीचिंग एंड हु डिनाइज मी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संपत्ति को, संपदा को, ये संपदा कौन, भगवद गीता को उस व्यक्ति तक मत पहुंचाओ जो त्याग के बगैर हो, मतलब जिसके हृदय में त्याग नहीं है उस तक मुझे गीता को मत पहुंचाओ। विदाउट डिवोशन, जिसमें समर्पण नहीं है उस तक भी गीता को नहीं पहुंचाना है, डिवोशन यानी समर्पण। विदाउट द डिज़ायर फॉर दिस टीचिंग, जिसे इस शिक्षा की लालसा नहीं है, डिज़ायर यानी लालसा, इच्छा नहीं है। एंड हु डिनाइज मी, और वो जो मैं मुझे स्वीकार नहीं करता उस तक भगवद गीता का ज्ञान, ये संपदा पहुंचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड दोज हु विल गिव दिस प्रेशियस ट्रेजर टू माई डिवोटीज विल बाय द फैक्ट ऑफ दिस सर्विस एश्योरली रीच मी। बल्कि ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ देखें, जो इस बहुमूल्य संपदा को मेरे डिवोटीज यानी जो मेरे प्रति समर्पित हैं उन तक भगवद गीता पहुंचाता है, वो निश्चित ही अपनी इस सेवा के बदले में मुझ तक पहुंच जाएगा, मुझ तक यानी भगवान कृष्ण तक वह व्यक्ति अवश्य पहुंचेगा जो भगवद गीता को जन सामान्य तक, जो उसे सुनना चाह रहे हैं उन तक पहुंचाएगा। एंड दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मैलिस विल विथ फेथ एब्जॉर्ब दिस टीचिंग शैल हैविंग अटेंड फ्रीडम लिव वेयर पीपल ऑफ ट्रू मेरिट गो आफ्टर डेथ। और जो फ्री फ्रॉम मैलिस यानी दुर्भावना से रहित हैं, विल विथ फेथ, वो अपने विश्वास के कारण एब्जॉर्ब दिस टीचिंग, इसकी शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे। शैल हैविंग अटेंड फ्रीडम, और फिर वो अटेंड फ्रीडम यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लिव वेयर पीपल ऑफ ट्रू मेरिट गो आफ्टर डेथ, वो वहाँ जाकर रहेंगे जहाँ पर जो सच्चे लोग हैं वो मृत्यु के बाद निवास करते हैं, यानी ईश्वर की शरण में, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो लोग निवास करेंगे जो भगवद गीता पर विश्वास करते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण का कहना है। तो जो अभी हमने पैसेज पढ़ा उस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस एंड आंसर है, तो हम शुरू करते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके हमको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू द वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए हुए शब्दों को उनकी मीनिंग वाले कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मैच करना है। तो मैंने आपके लिए जिस वर्ड का सही मीनिंग जो है उसे सेम कलर में करके रखा है। देखें हम ए के कॉलम ए में एफोरिस्टिक, तो एफोरिस्टिक यानी होता है एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहा गया कथन, तो इसका सही आंसर है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ और विजडम, यानी सच्चाई और बुद्धिमानी के साथ कहा गया एक छोटा सा स्टेटमेंट वाक्य। प्रोहिबिट यानी मना करना, और टू स्टॉप बाय लॉ का अर्थ भी होता है मना करना। फिर है ऑब्लिगेटरी यानी बंधन युक्त, और कंपलसरी यानी भी होता है बाध्यकारी, तो ऑब्लिगेटरी का सही अर्थ हो गया कंपलसरी। फिर है मैलिस, मैलिस यानी होती है दुर्भावना, तो दुर्भावना के लिए जो दूसरा शब्द दिया है कॉलम बी है वो है हेट्रेड। फिर है एब्जॉर्ब, लास्ट वर्ड है एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब यानी सोख लेना, प्राप्त कर लेना। टू टेक इन और टू ग्रास्प यानी अंदर ले लेना या पकड़ बना लेना अपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू
यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स, आप डूज और डोंट्स से क्या समझते हैं? तो आंसर है डूज मीन्स द एक्ट दैट आर राइट एंड वी शुड प्रैक्टिस देम। डूज का अर्थ है कि वो कार्य जो सही हैं, उचित हैं और जिनका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब जो हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए। डोंट्स मीन्स द एक्ट्स दैट आर रॉन्ग एंड वी शुड नॉट डू देम। और डोंट्स का मतलब होता है वो कार्य जो गलत हैं और जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, वो आते हैं डोंट्स के अंतर्गत। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मियर इंटेलेक्ट, भगवद गीता बुद्धि से परे क्यों है? आंसर है द गीता इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज एसेंशियली एड्रेस्ड टू द हर्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हर्ट। गीता बुद्धि से परे है क्योंकि यह हृदय को संबोधित की गई है और हृदय से ही इसे समझा जा सकता है, इसलिए यह बुद्धि के परे है। बुद्धि के परे होना यानी इसमें हम कोई कारण और तर्क नहीं लगा सकते हैं, हम इसे हृदय से ही समझ सकते हैं। Why does the author say that the Gita is not for those who have no faith? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गीता उनके लिए नहीं है जिनको विश्वास नहीं है? ना, विश्वास नहीं है जिस चीज़ पे वो काम करने से असफल ही होते हैं। यदि आपको गीता पे विश्वास नहीं है तो उसे सुनने और समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा लेखक क्यों कहते हैं कि गीता उनके लिए नहीं है जिनके पास विश्वास नहीं है? उत्तर देखते हैं, द ऑथर सेज सो बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द मियर इंटेलेक्ट। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बुद्धि के परे है। इट इज़ एड्रेस्ड टू द अर्थ हर्ट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टूड बाय हर्ट। यह हृदय को संबोधित की गई है और हृदय से ही इसे समझा जा सकता है। हर्ट इज़ बियॉन्ड रीज़न, इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ। हृदय तर्क से परे है, हृदय में तर्क वाली चीज़ें नहीं आती हैं, इसमें सिर्फ विश्वास वाली चीज़ रह सकती है। तो इसलिए भगवद गीता उनके लिए नहीं है जिनके पास विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आपको ये जो अनसीन पैसेज बताया गया था भगवद गीता के ऊपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है, पिछले वर्षों में कई बार आ चुका है, तो आप इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें, रीडिंग कर लें। और इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने इसमें लिए हैं, सारे आंसर्स नहीं लिए हैं, वही आंसर्स लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और पिछले वर्षों में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लेसन समाप्त करती हूँ। Thank you. Have a great day.